राशि, आप एक शांतिपूर्ण मानसिक स्थिति में हैं और आज आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आज अपने करियर के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने में आप सक्षम होंगे, लेकिन अपने वरिष्ठ अधिकारियों से समर्थन की कमी की वजह से आप थोड़ा पीछे हटने को मजबूर होंगे। इसलिए आप उन्हें मनाने के लिए प्रयास करें ताकि सब अच्छी तरह से पूर्ण हो और आप ख्याति एवं धन प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो। वृषभ राशि, आज एक नई नौकरी की पेशकश आपके रास्ते में आने की संभावना बन रही है। सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से अच्छे अवसर हैं। आप अपनी नौकरी बदलने के बारे में नहीं सोच रहे हैं और हो सकता है कि मौजूदा नौकरी में आप संतुष्ट हों, लेकिन नई नौकरी बेजोड़ अवसरों को अपने साथ लाएगी। यह एक जोखिम भरा कदम भी हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ने में ये कदम काफी मददगार साबित होगा। मिथुन राशि, आपकी आय और करियर को प्रभावित करने वाले ग्रहों के बीच का गठबंधन अब अपनी मजबूत केंद्र बिंदु पर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने करियर के लिए अपने समय और ऊर्जा से कार्य करते हैं तो आपकी जमा राशि को बढ़ावा मिलेगा। आप में ऐसी ऊर्जा और क्षमता है कि आप और अधिक कार्य करके अपनी आय में और सुधार ला सकते हैं। कर्क राशि, आप एक किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आपको एक आकर्षक करियर के अवसर प्रदान करेगा। हालांकि इसे स्वीकार करने से पहले परिणाम के बारे में लंबा और कठिन सोचने की जरूरत है, क्योंकि सब चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। ये आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करेगा, लेकिन ये दिन इस तरह के एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए अच्छा साबित नहीं दिख रहा है। सिंह राशि, आप अपने करियर की एक बड़ी सफलता के कगार पर खड़े हैं। ये आपके निर्णायक निर्णय पर निर्भर करेगा कि आप इसे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। इसके लाभ और हानि पर आपको विश्लेषण करने की जरूरत है। आपका निर्णय आपके जीवन को प्रभावित करेगा, और अगर आप सही विकल्प का चुनाव करते हैं तो आपकी आय में अगले कुछ दिनों में काफी वृद्धि होने की संभावनाएं दिख रही हैं। कन्या राशि, आज का दिन काम और कार्य क्षेत्र के हिसाब से काफी हद तक शांत रहेगा। आज का दिन घटनाओं रहित रहेगा, जिससे कि आपको अपने व्यस्त कार्यक्रम में थोड़ी राहत मिल सकती है। इस समय की आप सराहना करें और इसे मनोरंजन में बिताएं और उन खुशनुमा पलों को भी याद करें जो आपने अपने पिछले कार्य क्षेत्र में महसूस किए हैं। तुला राशि, आज सितारे उन लोगों के पक्ष में है जो की अचल संपत्ति में या निर्माण व्यवसाय में है। यह संपत्ति खरीदने के लिए एक अच्छा समय है। आज एक लघु एवं अच्छे सौदे का अवसर आपको घर की खरीद में मिल सकता है। इस क्षेत्र में किया गया निवेश अब आपको फल देगा। अच्छे परिणाम के लिए आप आज अचल संपत्ति में निवेश शुरू कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, आज आप अपने करियर को नए सिरे से शुरू करेंगे। आप एक नियोक्ता से दूसरे की तरफ अपना रुख कर सकते हैं, क्योंकि यह नया अवसर आपको आगे बढ़ने के मौके दे सकता है। लेकिन धोखाधड़ी के प्रस्ताव से भी सावधान रहें। कोई आपकी क्षमता और चतुराई का अनुचित लाभ लेने के लिए लंबे समय से प्रयासरत होता दिख रहा है। धनु राशि, आपके वित्तीय संसाधनों का विस्तार होगा, जिसका लाभ लेने के लिए आप पूरी तरह तैयार हैं। आज आप अपने घर, व्यवसाय या वाहन के लिए ऋण के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जो कि आराम से मंजूर हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने शिक्षा ऋण के लिए आवेदन किया हुआ है, उन्हें भी शुभ संदेश मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं। आज का दिन शेयर बाजार में निवेश करने के लिए उत्तम है। मकर राशि, आज का दिन उन लोगों के लिए सबसे अनुकूल है जो किसी भी स्वास्थ्य से संबंधित व्यवसायों में है। डॉक्टर, नर्स, अस्पताल प्रशासकों और यहाँ तक कि मेडिकल छात्रों की सफलता के लिए आज का दिन उपयुक्त है। अगर आप किसी विशेषज्ञ से परामर्श ले रहे हैं तो इस सलाह को माने, क्योंकि ये आपके पेशेवर जीवन के लिए इस समय बहुत ही प्रासंगिक होगी। कुंभ राशि, आप अपने रास्ते में एक महान अवसर की बाट देख रहे थे और इस तरह के अवसर के लिए ये सबसे अच्छा समय है। अगर आपने साक्षात्कार दिया है तो उस मोर्चे पर आज अच्छी खबर मिल सकती है। अप्रत्याशित जगहों से नौकरी के अवसर आपको मिल सकते हैं या कुछ पुराने संपर्कों से भी आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। आपने कठिन समय के दौरान उत्कृष्ट भावना का परिचय दिया है और अब उसका अंत नजर आ रहा है। मीन राशि,
आपको आगे जाने से पहले अपने वित्तीय और करियर से संबंधित योजनाओं के अकाल्पनिक और दीर्घकालीन दोनों नतीजों पर विचार करना होगा। आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने करियर से संबंधित योजना का एक खाका तैयार करना होगा, जिससे आप लाभ और हानि का विश्लेषण कर सकें, दोबारा अपने निर्णय का पुनर्मूल्यांकन करें। एक जानकार व्यक्ति से राय प्राप्त करना भी सार्थक साबित हो सकता है।